चूक इंसान से होती है, जी लेकिन चूक करने के बाद उस चूक को बड़ा चढ़ा के पेश करना, माफी मांगना तो दूर, उसमें सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें माफी कहीं नहीं है, उसमें तो तोड़ मरोड़ कर उसको बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपसी टकराव न हो और छत्तीस कौम के आराध्य देव तेजाजी महाराज और तेजाजी के महाराज के मंदिर में आके तेजाजी के माता टेक के बोल दे भी गलती हो गई, चूक हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा, आज सांकेतिक धरना दिया बाकर साहब, और अब आगे क्या निर्णय लिया आप लोगों ने मिलके सब ने? आज सांकेतिक धरने के माध्यम से अब हम ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को जी। और ज्ञापन में हमने ये बताया कि 7 दिन के अंदर अंदर जी अगर वो असामाजिक तत्व माफी मांग ले तेजाजी के दरबार में आके तो ठीक है, अन्यथा बड़े प्रदर्शन करेंगे। और तेजाजी महाराज के मेले और मंदिर के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों का भी उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी मखौल उड़ाया है। जब असभ्य महिलाएं सुरक्षित नहीं, कैसे सुरक्षित नहीं आए, हजारों की तादाद में यहाँ प्रशासनिक पुलिस और ये अधिकारी मेले के दौरान व्यवस्थाएं देखते हैं और हजारों तेजा भक्त व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, ऐसी कोई कहीं कोई बात ही नहीं है। हंसते हुए आते हैं तेजा भक्त और खुले मन से दर्शन करके तेजाजी का आशीर्वाद लेके अपने अपने घर जाते हैं, किसी तरह की कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह की गलत बयानबाजी जो कुंठित सोच के तहत आपसी भाईचारे को खत्म करने पे तुले हुए ये सामाजिक तत्व, हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ प्रशासनिक अधिकारी भी अपने स्तर पर कार्रवाई करें, जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करें। ये सामाजिक अपराध है, समाज को आपस में बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं, इस तत्वों को जो भी सजा हो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।